वो लोग जो सिलेक्शन के करीब हैं, इनका बीएचयू में एंट्रेंस लगभग लगभग क्लियर हो चुका है, अच्छी रैंकिंग आई है, अच्छे मार्क्स आए हैं, कॉन्ग्रेट्स टू देम, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान आपकी सफलता बरकरार रखें। ये मेरा वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है हु आर नॉट सिलेक्टेड, जो भी रैंकिंग से बहुत दूर हैं या थोड़े से रुक रहे हैं, मीन्स जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, जो अनक्वालिफाइड हैं, जो डिस्क्वालिफाई हो गए हैं, जो क्वालिफाई नहीं कर सके हैं। मुद्दा बहुत सीरियस है, क्योंकि कईयों के मुझे मैसेजेस भी आए हैं, कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं। एक्चुअली उन्होंने ना इस बीएचयू के एंट्रेंस को जीने मरने की बात बना ली थी यार, कि बस अब जी मर के हो जाना है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जीने मरने का कोई सवाल नहीं था। अगर आप सिलेक्ट नहीं हो, नो इश्यू, आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। यू कैन डू समथिंग बेटर देन दैट, आप उससे अच्छा कर सकते हो फ्यूचर में। क्योंकि मैंने हमेशा बताया, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम ही क्यों ना हो, अगर आप मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, तो उसके साथ साथ लक का होना बहुत जरूरी होता है। तो आपका लक ने साथ नहीं दिया, इस वजह से आप रह गए, आप यही मान लो। एंड यही सच है, अगर आपने मेहनत की है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप लक पे मान सकते हो कि लक ने साथ नहीं दिया। और जिन्होंने मेहनत नहीं की, उन्हें खुद पता होगा कि उन्होंने मेहनत करी है या नहीं करी है। ऐसा नहीं है जिन्होंने मेहनत की सबका सिलेक्शन हो गया। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, रह गया थोड़े से। अब बात होती है ईयर ड्रॉप करने की। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी एक ईयर ड्रॉप करके आए थे एंट्रेंस देने के लिए। सपना था बीएचयू, ठीक है, सपना देखना अच्छी बात है, बट आपने ईयर ड्रॉप करा 1 साल, फिर आप सोचो कि 1 साल और ड्रॉप करें, ऐसी गलती भाई मत करना। ईयर ड्रॉप करने का सजेशन मैं किसी को नहीं देता हूँ। अगर हाँ आपको फिर से ठीक है बीएचयू एंट्रेंस देना है, तो जो 2 साल ऑलरेडी अपना गैप कर चुके हैं, 1 साल गैप कर चुके हैं, 1 साल और हो जाएगा, वो यूजी ना देखें, उनके लिए पीजी के चांसेस हैं। आप पीजी में वापस ट्राई मारिएगा फुल इफर्ट के साथ, महादेव की कृपा रही तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। मैं बात उनकी कर रहा हूँ जिनका भी पहला अटेम्प्ट था। उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर 1 साल गैप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं स्पेशली मैं आर्ट्स वालों को कहता हूँ, आर्ट्स के अलावा मैं किसी को नहीं कहता कि आप गैप करो, आर्ट्स के अलावा कोई गैप मत करो। इनका आर्ट्स है ना, आपको भी गैप करने की जरूरत नहीं है। मीन्स आप एडमिशन ले लो कहीं, नो इश्यू, नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करना। अगर सिलेक्ट हो गया देन महादेव को शुक्रिया कहते हुए एडमिशन ले लेना, लेकिन ये ड्रॉप मत करना। मीन्स पहले कहीं से एडमिशन रहे, आप सिलेक्ट हो जाते हो यहाँ पे, वहां का एडमिशन छोड़ देना, फिर यहाँ आ जाना। लेकिन सिर्फ इसकी उम्मीद में 1 साल पूरा गैप कर देना, 1 साल ड्रॉप करना सही नहीं है, और किसी भी तरीके से ये सही नहीं है। ये सजेशन मैं कभी नहीं दूंगा। हाँ, अब प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी, प्रिपरेशन कैसे करें, तो भाई 1 साल बचा है आपके पास, 1 साल है ना पूरे के पूरे, पढ़ाई के साथ साथ हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ध्यान मत दें, लाइक कुछ गाइड्स जो आती हैं बीएचयू के, उन पर ध्यान मत दीजिए। आपने पेपर दिया है, आपको पैटर्न का आइडिया है, अपने आइडिया पे आगे बढ़िए। फिर से वही है, सिलेबस की बात कर दूं तो बीएचयू कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसके हर एक सेक्शन, जो सेक्शन उसने सिलेबस में डाला हुआ है, आपको उस पर जोर डालना है। फिर से कहूंगा, जीने मरने की कोई बात नहीं है, आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, ना जिंदगी रुकी है। गिरे हो तो उठो, उठ गए तो दौड़ो। मीन्स किसी ने कहा था, नाम मुझे नहीं याद है, कि अगर आप गिर जाते हो तो ये कोई गलत बात नहीं है, चलते हुए अक्सर लोग गिर जाते हैं, लेकिन गिर के आप उठते नहीं हो ना, तो ये बहुत गलत बात है। अगले साल के लिए मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, बाकी महादेव तो है ही। अब तक का ये मेरा पहला ऐसा वीडियो होगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं ये बोल रहा हूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट जरूर करना अपनी बातें, आपके माइंड में कुछ चल रहा हो तो इस इन बातों से रिलेटेड। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स की रिप्लाई भी करता हूँ, जिन्होंने कमेंट किया है उन्होंने इस बात को नोटिस करा होगा। तो आप सभी को गुड नाइट, बट आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड लाइक्स मत भूलना इस वीडियो पे। थैंक यू सो मच।
हर हर महादेव।